गाइस वेलकम बैक। आई होप सारे बढ़िया हो गए एंड आगे भी बढ़िया रहना। बाकी यहाँ पर हम आज भी पुश करेंगे सीएस रैंक। एंड जैसे कि तुम्हें पता है कि सीएस की सीरीज चल रही है यहाँ पे, एंड सीएस की सीरीज में मैंने तुम्हें बोला था रीजन लगाने के लिए, लेकिन रीजन लगाना काफी ज्यादा डिफिकल्ट है इस टाइम बिकॉज यहाँ पर मेरे एग्जाम्स चल रहे हैं। जैसे कि तुम्हें पता है मैंने बहुत बार बताया तुम्हें, बट यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर रीजन तो नहीं हो सकता, बट यहाँ पर हम रेगुलर पुश करेंगे। यहाँ पर ट्राई करूंगा कि मैं रीजन के टॉप 100 में आ जाऊँ, बिकॉज यहाँ पर टॉप 100 हो सकता है लेकिन टॉप 1 करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट है अभी के टाइम पे, बिकॉज मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है यहाँ पर खेलने का। एंड तुम्हें भी पता है कि मैं रेगुलर एपिसोड भी नहीं डाल पा रहा हूँ इसके। एंड यहाँ पर पिछले सीजन में काफी रेगुलर था बट यहाँ पर मैं नहीं हो पा रहा बिकॉज वही एग्जाम है यहाँ पे। आई होप कि तुम लोग मेरी सिचुएशन समझोगे। एंड यहाँ पर मैं जितना हो सके उतना रेगुलर एपिसोड डालने का ट्राई करूंगा, मतलब एक दिन स्किप हो जाता है बट कोई नहीं, यहाँ पर नेक्स्ट डे तुम्हें डबल वीडियोस देखने को मिलेगी, सो उसकी ज्यादा टेंशन ना लेना। एंड यहाँ पर बाकी चिल करो, वीडियो स्टार्ट करते हैं। एंड यहाँ पर एक बार फिर से काफी ज्यादा मजा आएगा सीएस रैंक में, सो एंड तक देखना, और जो भी बंदे चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लेना। सो स्टार्ट होता है हमारा दिन का पहला मैच, और पहले मैच में पहला राउंड, और यहाँ पे गेमर को हेडशॉट देता है क्या, बहुत गंदा मारा, हेडशॉट ही मारा सीधा इसने मेरे को। शायद से यहाँ पर ये राउंड हम हार सकते हैं बिकॉज मैं तो नॉक हो गया। एंड यहाँ मेरे को अभी ना रिवाइव करने आता है बट यहाँ पर नहीं कर पाएगा बिकॉज आगे पीछे हर जगह से पड़ रही थी। एंड यहाँ पर क्या क्रिश कुछ कर पाएगा, हेडशॉट, और भाई इसी के साथ इसने राउंड निकाल दिया। एंड पहला राउंड हम जीत जाते हैं, क्या बात है, पहला राउंड तो हम जीत जाते हैं, मेरा टीममेट निकाल देता है। बट इस राउंड में देखते हैं क्या होता है बिकॉज यहाँ पर सामने की तरफ ही बहुत सारे बंदे हैं, और एक तो इधर था एंड दो बंदे शायद से सामने हैं, और मेरे टीममेट रश मारते और दोनों को नॉक ले लिया। यहाँ हेडशॉट ये भी गया एंड एक और बचा है यहाँ पे, एंड ये भी गया, और इसी के साथ तीसरे वाले को खत्म कर दिया मेरे टीममेट ने। और यहाँ पर ये राउंड भी हम निकाल लेते हैं, अब 2-0 हो चुका है ये मैच। और अब देखते हैं सामने की तरफ क्या होता है। इस वाले राउंड में मेरे को सामने की तरफ कोई नहीं दिखा, शायद से उधर की साइड फाइट हो रही है, और मेरे पे भी फायर आया, फाइट तो हो रही थी बहुत बुरी। यहाँ बीच में यहाँ पर सामने बंदा है ड्रॉप के पास, एंड क्या नेट जाएगा, मेरा नेट तो नहीं गया और मेरे पे आ गया एक। अभी क्या ये बंदा मेरे ऊपर रश करेगा, शायद से कर सकता है, बट यहाँ पर मेरे टीममेट ने इसको डिस्ट्रैक्ट करा था और मैंने उसको किल कर दिया। एंड सैंडविच बन के खत्म हो गया ये बंदा। एंड यहाँ पर दोनों लास्ट के बंदे किधर हैं, शायद से सामने की साइड हो सकते हैं। अभी मेरे को यहाँ पर एक किल तो चाहिए, बट यहाँ पर क्या होता है देखते हैं, मेरा किल चोरी हो गया यहाँ पर, बट कोई नहीं, यहाँ पर माइंड नहीं करेंगे बिकॉज यहाँ पर किल नहीं इंपॉर्टेंट है, मैच इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर हमें राउंड निकालना है किसी भी तरीके से। और काफी बंदे यहाँ पर नाराज हो जाते हैं अगर किल चोरी होता है तो, बट उनको मैं कहूँगा कि यार चिल मारो, मतलब किल चोरी हो जाए कोई बात नहीं, बट मैच नहीं हारनी चाहिए। और यहाँ पर ये किल भी मेरा टीममेट लेता है, बट कोई नहीं, यहाँ पर ये राउंड भी हम जीत चुके हैं। पूछा किसी ने, अब इस वाले राउंड में मेरे को 150 पड़ जाता है, और यहाँ पर सामने की तरफ बंदा है, एंड यहाँ पे क्या नेट जाएगा, नेट तो नहीं जा सकता यहाँ पे, और शायद से मैच हम 4-0 विन करें, हो सकता है कि हम 4-0 विन करें, बट क्या होगा अभी देखने वाली बात है। और यहाँ पे सामने की तरफ नेट गया बट नहीं आया इसको नॉक। एंड यहाँ पर ये बंदा इधर आता है, कितना डैमेज आया उसके 47 से, काफी अच्छे चला रहा था, बट यहाँ पर देखने वाली बात है क्या होता है बिकॉज सामने तो फाइट हो रही है, एंड यहाँ पर मेरे टीममेट भी अलाइव है, सो देखते हैं क्या होता है यहाँ पे एंड में। एक बार फिर से देखते हैं, इधर की साइड से तो मैं निकल नहीं सकता, एंड यहाँ पर मेरे साथ के टीममेट जिंदा है, एंड एक तो सामने ही है, शायद से मेरे सामने एक बंदा और पीछे भी होता है, शायद से मेरे को पता नहीं, एक तो पीछे ही है, शायद से पीछे हो सकता है, यहीं पे था। एंड ग्रेनेड को कर रहा था बट यहाँ पर इसने कवर कर लिया अपने आप को, एंड यहाँ पर दो बंदे अभी भी बाहर है, और मैं यहाँ पर अकेला हूँ तो शायद से अपनी वॉल तोड़ने का ट्राई करेगा, एंड शायद से मेरे ऊपर रश आने वाला है बिकॉज मैं अकेला हूँ। एंड यहाँ पर ये वॉल तोड़ देता अपनी, एंड काफी डैमेज है, एंड स्क्रीन ब्लॉक नहीं मारी मैंने बिकॉज थी नहीं चार्ज। एंड यहाँ पर ये क्या चलाता है गन, पता नहीं कौन सी गन, सॉरी चार्ज बस्टर थी इसके पास, और क्या गंदा चलाया इसने, मतलब ये पार्स, अब यहाँ से ये लोग कम बैक करना स्टार्ट ना करते बस, अब ये वाला राउंड हमें कैसे भी करके निकालना होगा। यहाँ पर मैं एज यूजुअल ग्रेनेड करता हूँ बट इस बार जाता नहीं है, और इसी तरह नहीं गया, और भाई क्या मार रहा है ये चार्ज बस्टर, क्या ही मार रहा है, मतलब तुम देख सकते हो क्या ही गंदा मारा इसने, एक गोली में मतलब एक शॉट में मेरे को खत्म कर दिया। एंड यहाँ पर क्या मेरे टीममेट्स कुछ कर पाएंगे, यहाँ पर क्रिश भी नॉक, एंड यहाँ पर क्या मेरे टीममेट और कोई जिंदा है, यहाँ पे एक बंदा है, हेडशॉट मारने का ट्राई करा लेकिन AWM के साथ इसको भी खत्म कर दिया। मेरे साथ अन्याय हुआ। अब यहाँ पर 3-2 का स्कोर हो जाता है, एंड अब देखते हैं क्या होता है इस राउंड में। यहाँ हेडशॉट गया, मतलब 100 का हेडशॉट तो गया इसको, एंड यहाँ पर ऊपर की साइड कोई आएगा, ऊपर की साइड तो नहीं है, बट यहाँ पर मेरा टीममेट नॉक हो जाता है, पता नहीं क्या कर रहे हैं ये लोग, नॉक क्यों दे रहे हैं पहला, अगर तुम पहला नॉक दोगे तो यार राउंड हारोगे ना, मतलब मेरे रैंडम टीममेट्स हैं, मैं इनको कुछ बोल भी नहीं सकता, अगर मेरे टीममेट होते तो मैं बोल भी सकता था, बट क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जीतना तो पड़ेगा ये राउंड कुछ भी करके। एंड क्या रश आएगा हमारे ऊपर, एक तो रश कर गया ऊपर की साइड, एंड यहाँ पर मैंने स्किल ब्लॉक कर दी सबसे पहले तो, बिकॉज ऊपर रश करेगा तो अभिनव शायद से उसको ले सकता है, बट अभिनव को क्लियर कर दिया। एंड यहाँ पर क्या मैं ऊपर जाके इसको ले पाऊंगा, बिकॉज सामने की तरफ भी एक बंदा AWM पड़ेगी मेरे को पता है, बट ऊपर है, एंड यहाँ पर हेडशॉट पड़ा और मेरे को भी AWM पड़ गया जैसे कि मेरे को लगा था, बस आयरिस ना हो उसके पास, वरना अभी तो मैं गया एकदम गया। और भाई ये क्या, जोन में ही मर गया मैं,
मेरे को तो जोन में ही मार दिया एंड सामने से AWM पड़ी। एंड यहाँ पर क्या क्रिश कुछ कर पाएगा? क्रिश ने काफ़ी अच्छा हेडशॉट दिया इसको, एंड इसको ख़त्म करने के बाद क्रिश उस बंदे को भी ख़त्म कर देता है। अभी वहाँ पर वो बंदा नॉक हो चुका है तो AWM का कवर तो नहीं मिलेगा उनको। एंड यहाँ पर 1v2 सिचुएशन हो गई है। अब यहाँ पर क्लच भी हो सकता है इसका, देखते हैं क्या होता है। क्या यहाँ पर ये क्लच कर पाएगा? मेरे को तो नहीं पता, लगता भी नहीं कर पाएगा, बट देखते क्या होता है। ग्रेनेड गया लेकिन खुद ही डैमेज खा गया इससे तो। एंड यहाँ पर जोन और छोटा होता है। अभी प्रो 90 से एक और को नॉक ले लिया, लेकिन यहाँ पर अभी भी एक बंदा है एंड वो लास्ट वाला बंदा है जो चार्ज बस्टर चला रहा था, जो बहुत गंदी चार्ज बस्टर चला रहा था। एंड यहाँ पर क्या यहाँ पर ये क्लियर कर पाएगा? मेरे को नहीं लगता, बिकॉज उसके पास चार्ज बस्टर है। एंड यहाँ पर प्रो 90 वर्सेस चार्ज बस्टर, देखते कौन जीतेगा। चार्ज बस्टर मतलब कि क्या ही चला रहा है बंदा, चार्ज बस्टर यानी कि अकेले मारा इसने हम सबको। कैसे हो सकता है ये, मजाक बना रखा है इन लोगों ने। अब यहाँ पर लास्ट राउंड स्टार्ट हो चुका है और 7th राउंड है। एंड यहाँ पर मैंने गन मैक्स कर लिए, सबसे पहले तो अपनी फार्मस। एंड तुम जानते हो मैं फार्मस कितनी अच्छी चलाता हूँ या फिर कितनी गंदी चलाता हूँ, तुम्हें तो पता ही है। और यहाँ पर पीछे की साइड एक बंदा आया, उसको मैंने डैमेज दिया, लेकिन 150 तो मेरे में भी पड़ा है एंड शायद से पीछे की साइड से पड़ा है। एंड ये राउंड काफी ज्यादा इंटेंस होता है बिकॉज आगे पीछे हर तरफ बंदे हैं। यहाँ पर ये लास्ट राउंड है, तुम्हें तो पता ही है। एंड देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। पहले हील करते हैं। सबसे पहले तो एक बंदा आया, मुंह पे आ गया ये बंदा, बॉल डाल दी मैंने, पीछे से भी कवर आ रहा है इसको। एंड पीछे वाला बंदा भी वहाँ पे बहुत दूर पे है एंड मेरे को डैमेज दे रहा था। मेरे पास फार्मस है एंड M10 उठा ली मैंने सबसे पहले तो। अब देखते क्या होता है। एंड इसको दिया मैंने फार्मस से, एंड लेवल 3 की फार्मस क्या ही जोर चलती है। एंड यहाँ पे ये तो गया पहला बंदा, एंड यहाँ पर सिर्फ दो बंदे अभी, और ये बंदा ये भी गया सबसे पहले तो, और ये बंदा तो गया। अब लास्ट बंदा बचा हुआ है एंड लास्ट किधर है मेरे को नहीं पता, शायद से पीछे भी हो सकता है आगे भी हो सकता है। और एक बंदा और नॉक, यानी कि 1v2 सिचुएशन हो रखी है। सामने एक है और हमारी टीम में दो बंदे हैं, बट देखते ही देखते मेरा टीममेट उसको ख़त्म कर देता है वहाँ पे। और ये राउंड हम बहुत ईजिली निकालते हैं, ईजी तो नहीं था बट यहाँ पर हार्ड था, लेकिन हम जीत जाते हैं एंड इसी के साथ हमारा प्लस होता है। अब वो मैच खत्म करके सीधा नेक्स्ट मैच में आते हैं और यहाँ पर पहला राउंड स्किल में होगा, बट यहाँ पर पहला नॉक तो ले लिया मैंने। एंड यहाँ पर ये क्लियर सबसे पहले तो, एंड यहाँ पर कोई रश मारेगा मेरे ऊपर, मेरी स्किल तो ब्लॉक है अभी सबसे पहले। एंड देखते हैं क्या होता है। ये दूसरा बंदा आया एंड यहाँ पर ये भी गया, और आगे पीछे हर तरफ बंदे अभी तो। ये भी गया यहाँ पर, ये भी नॉक। एंड यहाँ पर काफी मारना पड़ा इसको, उसके बाद ही डैमेज खा के नॉक होता है। एंड यहाँ पर मेरे पास भी काफी कम HP है, बस कोई रश ना करे यहाँ पर, देखने वाली बात है कौन रश करेगा। एंड यहाँ पर मैं हील कर रहा होता हूँ जब तक ये बनी आता है। यहाँ पर चौंक मारा इसने, मतलब ये बंदा काफी गंदा मार गया कटाना मेरे को। लास्ट बंदा हमारा, 1v2 सिचुएशन हो गई है उसके सामने। एंड अब देखते क्या होता है। इसने ट्राई तो करा बट ये बंदा काफी अच्छा खेल रहा था, इसने हेडशॉट देके इसको खत्म कर दिया। पहला राउंड तो हम एक बार फिर से हार जाते हैं एंड अब सेकंड राउंड में देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे तो सबसे पहले मैं आगे की साइड आता हूँ, बाइजन है मेरे पास बिकॉज काफी डैमेज दिया था मैंने। ये गया पहला बंदा, दूसरा भी ऊपर है, इसको बहुत डैमेज दिया था मैंने। अब मैंने वॉल तोड़ दी सबसे पहले इसको चेज करने के लिए, बट ये बंदा नीचे भागता है। एंड नीचे कहाँ पे है मेरे को नहीं पता, एग्जैक्ट नहीं पता। और भाई अचानक से सामने, लेकिन यहाँ पर ये नॉक इस बार, और एक बार फिर से मैंने इसको नॉक लेके खत्म कर दिया। अब सिर्फ लास्ट बंदा बचा हुआ है एंड वो किधर है मेरे को नहीं पता, बट अभी यहाँ पर पता लग जाएगा बिकॉज ज्यादा देर वो छुप नहीं पाएगा, बहुत छोटा जोन हो चुका है। एंड यहाँ पर क्या पता सामने की तरफ है, और अब मैंने इसको देख लिया एंड अब सीधा इसके ऊपर रश करेंगे। एंड यहाँ पर ये बनी है, ये गया भाई, एक डैमेज का बच गया था, मैं सिर्फ एक गोली का बच गया था, बट मैंने इसको खत्म कर दिया। और ये राउंड भी हम काफी इजी निकाल लेते हैं। इस वाले राउंड में ड्रॉप के पास बंदे होते हैं, लेकिन यहाँ पर जब तक मैं जाता हूँ तब तक सारे भाग जाते हैं। एंड वहाँ पर एक मौका आया, ये नॉक है ये बंदा, एंड मैं इसको ट्राई करता हूँ क्लियर करने का, बट मेरा एम थोड़ा सा आगे पीछे हो रहा था, बट यहाँ पर दोनों को नॉक कर दिया मेरे टीममेट ने। और एक बंदा तो नीचे ही है, मेरे मुंह पे आ गया सीधा ये बंदा। एंड भाई क्या डैमेज दिया इसने मेरे को, यहाँ पर तो मैं इसको खत्म नहीं कर पाया, मेरा किल चोरी हो गया, बट कोई नहीं। यहाँ पर ये बंदा भी नॉक होता है। अब लास्ट बंदा बचा हुआ है एंड लास्ट बंदा ना काफी दूर होता है, सो मैं एक बार फिर से इसके पास आ जाता हूँ। एंड यहाँ पे हेडशॉट और ये भी खत्म, इसी के साथ ये राउंड भी हम निकाल लेते हैं। 2-1 का स्कोर हो चुका है, क्या बात है। अब इस वाले राउंड में पता नहीं लगता क्या हुआ, लेकिन मेरे टीममेट यहाँ पर काफी इजी राउंड निकाल देते हैं, यानी कि तीनों बंदों को खत्म कर दिया। एंड लास्ट वाला बंदा किधर है, उधर की साइड होता है, और नेट मार के उसको भी खत्म कर दिया। और ये राउंड भी हम निकाल लेते हैं। अब 3-1 हो चुका है एंड अब इस राउंड में देखते क्या होता है, कोई इधर से आएगा क्या। ये क्या पहला नॉक तो नहीं आया, बट यहाँ पर मेरे में काफी गंदा डैमेज पड़ गया। अभी यहाँ पर देखते क्या होता है, शायद से मेरे ऊपर रश भी आ सकता है। एंड यहाँ पर रश ना आए, बस यहाँ पर मेरे को हील करना होगा सबसे पहले तो। अभी काफी दूर से एक बंदा फायर कर रहा था, बट यहाँ पर एक फुटस्टेप आने लगी जो कि एक बंदा नीचे आ चुका है।
लिया। और इस बंदे को सच में लगा कि ये मेरे को मार देगा, मतलब कैसे आके मार देगा। लेकिन मैंने तो देख लिया लॉन्ग पे भी एक बंदा है, ये भी काफी डैमेज, लेकिन यहाँ लेफ्ट से भी पड़ रही होती है, लेफ्ट में एक बंदा है, ये भी काफी दिक्कत देता है। बट यहाँ पर देखने वाली बात है क्या ये मेरे को मार पाएगा। अब लास्ट बंदा शायद से यही बच जाता है, बिकॉज वो तो नॉक हो गए। अभी इसको बताता हूँ लास्ट बंदा है, एंड लास्ट बंदा क्या ये मेरे सामने आएगा। लेकिन ये वहां से बाहर नहीं आता और ये अपने आप एलिमिनेट हो जाता है, और इसी के साथ ये गेम बुआ हो जाता है। और यहाँ पर मेरे हो चुके हैं 114 स्टार, ठीक है। अब इसके बाद मैं नेक्स्ट गेम में आ जाता हूँ, और यहाँ पर तुम सामने अपोनेंट्स देख सकते हो, काफी अच्छे अपोनेंट्स आए थे, यानी कि ग्रैंड मास्टर वाले अपोनेंट्स हैं। और पहला राउंड से एक बार फिर से मैं मर चुका हूँ, एंड सारे मर गए हम, एंड यहाँ पर लास्ट समीर है, एंड समीर को भी काफी गंदा मारा इन लोगों ने, यानी कि काफी अच्छा खेल रहे थे। बट सेकंड वाले राउंड में अब देखते हैं क्या होता है। मैंने तो पहले ब्लॉक कर दिया एक स्किल, और एक बंदा तो यहीं पे है, एंड ये गया, थोड़ा हेडशॉट तो नहीं लगा, बट कोई नहीं, किल चोरी हो गई शायद से। अभी यहाँ पर सामने की तरफ दो बंदे हैं और हम सिर्फ दो हैं, यहाँ पर ये भी क्लियर हो चुका है। एंड यहाँ पर पीछे की साइड कोई आएगा क्या, मतलब स्किल तो ब्लॉक है मेरी, एंड शायद पीछे भी है कोई, इसको हेडशॉट दिया लास्ट वाला बंदे की तरफ, एक बार फिर से वो भी खत्म, और 1v1 की बराबरी हो चुकी है इस गेम में। सही पकड़े हैं। अब इसके बाद मैं सीधा नेक्स्ट राउंड में आता हूँ, और नेक्स्ट राउंड में आते हैं, यहाँ पर ग्रेनेड गया, और नेट से कोई नॉक तो नहीं आया यहाँ पर, लेकिन एक बंदा मेरे को दिख जाता है, और ये खड़ा होकर पता नहीं क्या कर रहा है। इसको मैंने 3 शॉट दिया मैग का, और शायद से अपने टीममेट्स का वेट कर रहा था। एंड यहाँ पर ये फ्लैशबैक जाएगा, और एक और बंदा, नहीं एक और तो नहीं है बट अकेला है ये, और इनके पास लूट नहीं थी मेरे को पता था, बिकॉज एक राउंड तो हम जीते थे, और लूट कहाँ से आएगी इस राउंड में। और लास्ट वाला बंदा ना यहाँ पे छुपा हुआ होता है, और अब देखो यहाँ पर स्किल ब्लॉक है इसकी, और हेडशॉट के साथ ये खत्म, और ये राउंड भी हम काफी इजी निकाल लेते हैं। अब ये वाले राउंड में देखते हैं क्या होता है, सामने अभी भी 3 बंदे हैं, एंड यहाँ पर एक तो ड्रॉप चार्ज कर रहा है शायद से, मेरा टीममेट नहीं है लेकिन हाँ वो ड्रॉप चार्ज कर रहा है, और उसने ड्रॉप चार्ज कर लिया, एक पीछे भी आ गया शायद से, मैंने पीछे वॉल लगा दी सबसे पहले तो, काफी गंदा डैमेज, और ये जाते जाते मेरे को भी सोनिया कर गया। एंड यहाँ पर सामने की तरफ एक बंदा है, क्या मेरे को रिवाइव मिलेगा यहाँ पर, एक तो नॉक कर दिया समीर ने, एंड समीर मेरे को रिवाइव करने आता है, एंड यहाँ पर मैं भी रिवाइव। अब लास्ट वाले को पता नहीं किसने मारा, लेकिन ये राउंड भी हम विक्ट्री कर जाते हैं। अब इस वाले राउंड में मैं सबसे पहले पीछे की साइड से जाता हूँ, जैसे कि मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, एंड यहाँ पे ये 3 शॉट, ये नॉक हो गया सबसे पहले तो, एंड इसको क्लियर लेता हूँ सबसे पहले। एंड यहाँ पर सामने की साइड भी कोई है शायद से, सामने की तरफ एक बंदा होता है, सो मैं सबसे पहले नेट कर देता हूँ, लेकिन ये बच जाता है भाई, ये बच के भाग जाता है, इसका स्किल ब्लॉक है। अब मैं इसको चेज करने के लिए इस साइड से जाता हूँ, और यहाँ पर ड्रैगनोवा गया 67। अभी डैमेज काउंट करना तुम लोग बस, मैंने इसको कितना डैमेज दिया, ठीक है 67 का डैमेज है। एंड यहाँ पर एक बार फिर से डैमेज जाएगा क्या, यहाँ पर मैंने 1 टैप ट्राई करा लेकिन डैमेज गया 89 का। एंड यहाँ पर अब शायद से एक गोली का होना चाहिए यहाँ पे। अब यहाँ पर 97 का डैमेज तो गया, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं मारा, और भाई आखिर में किल चोरी हो जाती है। और बट यहाँ पर हम ये गेम जीत जाते हैं, और ये किल तो नहीं मिला बट कोई नहीं, यहाँ पर ये हम गेम जीत गया, 4-1 से राउंड विन करा, एंड 177 स्टार डन हो जाते हैं। क्या बात है, बात बात। अब इसके बाद मैं सीधा नेक्स्ट मैच में आता हूँ, और पहला राउंड हम हार चुके हैं, और यहाँ पर स्किल ब्लॉक, और ये आएगा मेरे सामने, एंड हेडशॉट भाई, क्या खत्म हेडशॉट मारा मैंने इसको, मतलब क्या ही मारा, मजा आ गया। एंड यहाँ पर ये हेडशॉट तो गया, बट यहाँ पर देखते हैं क्या होता है, क्लच होगा क्या, ये रैंडम के साथ ही खेल रहा था मैं, ये दूसरा भी गया, झुके रहना पड़ेगा मेरे आगे। यहाँ पर दो नॉक तो मैंने निकाल दिया, और लास्ट वाले बंदे सारे 2 बंदे हैं यहाँ पे, और मेरे टीममेट भी 2 है, मतलब यहाँ पर जीत सकते हैं गेम। और यहाँ पर एक आया, ये भी नॉक, और मैं भी नॉक यहाँ पे, एंड मेरा टीममेट क्या मेरे को रिवाइव देगा, मेरे ट्रिपल किल हो चुके हैं, एज तो हो सकता है, बट ये मेरे सामने आया, मेरे को नॉक कर दिया, एंड क्या मेरा टीममेट इसको खत्म कर पाएगा, खत्म कर दे भाई। बट यहाँ पर मतलब रैंडम प्लेयर से कुछ उम्मीद नहीं रख सकते तुम लोग, इसने हरा दिया, मतलब ये राउंड तो ये गया, उसका एस हो गया भाई, मेरा नहीं हुआ, साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। बट कोई नहीं, यहाँ पर देखते इस राउंड में क्या होता है, सामने की तरफ बंदा है, एंड काफी डैमेज तो गया, बट यहाँ पर पीछे की साइड एक कोई पीछे की साइड होता है हेडशॉट, और ये भी गया, अब यहाँ पर नॉक हो चुका है, मैं बोलता हूँ जल्दी से जाओ उसको खत्म करो, एंड वो पीछे से जाता है, देखते हैं क्या होता है इस बार इसने नॉक ले लिया, एंड काफी अच्छी तरीके से खत्म किया, और ये राउंड इन लोगों ने जिता दिया भाई, पता नहीं कैसे लेकिन जिता दिया। और इसके बाद ये लोग नेक्स्ट राउंड भी जिता देते हैं, पता नहीं लगा कैसे जिताया, बट यहाँ पर मेरे को किल भी नहीं मिला, और सीधा मारते हैं 4th राउंड में, और यहाँ पर स्किल ब्लॉक इसकी, अंदर तो काफी गंदी फाइट चल रही है, एंड शायद से बंदा नॉक हो जाएगा, इसको नॉक ले लिया, और एक साइड ऊपर की साइड है, सबसे पहले मैं ऊपर की साइड जाके देखता हूँ, बट यहाँ पर ऊपर की साइड ये नहीं होता है, यानी कि नीचे पहुंच चुका है, एंड M10 से फाइट तो हो रही है, तो ये नीचे साइड ही होगा कहीं पे, ये मेरे सामने आया हेडशॉट, और भाई इसके साथ ये खत्म, और ये राउंड भी हम काफी गंदा निकाल लेते हैं, मतलब इजी निकालते हैं, और मजा आया इस राउंड में भी। और लास्ट राउंड शायद से 2v4 हो चुका है, हाँ लास्ट राउंड हो सकता है, और यहाँ पर ये भी नॉक, मैं भी नॉक, एंड मेरे साथ वाला दिमित्री लगा के आएगा, शायद से कोई दिमित्री लगा दिया, हाँ यहाँ पर दिमित्री मिल गई मेरे को, एंड अब देखते हैं क्या होता है, पहले हील करते हैं, मेरे पास थी यहाँ पर P90,
एंड यहाँ पर क्या हेडशॉट लगेगा, काफी गंदा डैमेज है। एंड इसी के साथ ये गेम हम विन करते हैं 4-2 से, ये राउंड भी हमने निकाल लिया। और इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही, 177 से 178 स्टार प्लस कर लिया। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।